نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا ثمنا قليلا صدق الله العظيم आप हजरात के सामने सुर बकरा की आयत नंबर 41 तिलावत की गई है इसमें अल्लाह फरमाते हैं वा आमिनू और ईमान लाओ बिमाजल तो उस चीज़ पर जो मैंने नाजिल की मुसद माकुम जो तस्दीक करती है उसकी माकुम जो तुम्हारे पास है वला तकनु और ना हो जाओ अवला काफिरम भी पहले पहले इनकार करने वाले उसके वला तस्तरु और ना बेचो भी आयाती मेरी आयतों को समाना कलीलन थोड़ी से समन के बदले व इया या फून और मुझ ही से डरो कल आप ने समात फरमाया था कि आयत नंबर चालीस से अल्लाह ताला ने यहाँ से यहूदियों का ज़िक्र किया है और यहूदियों की जो ख़सलतें थी यहूदियों की जो साजिशें थी उनको बयान किया है ताकि मुसलमान जो हैं वो यहूदियों की साजिशों को पढ़ कर उनकी साजिशों से बच सकें और उनकी खसलतों से उनकी खसलतों को पढ़ कर उन बुरी खसलतों से बच सकें उन बुरी खसलतों से अपना दामन बचा सकें तो आज अल्लाह ताला ने अगली आयत में आज की जो आयत है इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह आमिनु बिमा बीमा अन जल के यहूदियों को ये इरशाद हुआ यहूदियों को ये ख़िताब हुआ कि आमिनु के ईमान लाओ उस पर बिमा अन जल जो मैंने नाजिल की कि यहूदियों से ये आहद हुआ था कि जो भी नया नबी आएगा और ख़ास तौर पर आखिरी नबी की हर नबी ने आकर बशारत दी थी और हर किताब में उनका ज़िक्र था तो उन पर तुम ईमान लाओगे अब जब आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महज़िद और हट दरमी की वजह से इनकार किया जैसा कि कल आप हजरात ने सुना था कि यहूदी जो हैं ये बनी इसराइल की नस्ल से हैं और हुजूर हज़ूर सल्ला वम बनो इस्माइल से हैं तो यहूदियों ने ज़िद और हट धर्मी इस बात की कि कि भई जो आखिरी नबी आना था जिसको ख़त्म नबूत का ताज मिलना था वो बनवा इसराइल से होता तो हम तो ईमान ले आते लेकिन अब चूँकि नबूत का जो सिलसिला था वो चला गया बनो इसमाईल की तरफ तो इसलिए फिर हम इसको नहीं मानेंगे ये महज़ उनकी हट धर्मी थी वरना वो इस बात को बखूबी जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिसकी बशारतें हमें हमारी किताबों में दी गई थी जैसा कि अगले सिपारे में दूसरे सिपारे में ये बात आएगी कि वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे आदमी अपने बेटे को पहचानता है जैसे आदमी अपने बेटे को पहचानता है कि उसकी हराकत तो सकनात और उसके हर हर आमल से और हती कि उसकी आवाज़ से पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है तो यहूदी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से पहचानते थे लेकिन ईमान क्यों नहीं लाते थे उसकी वजह जो थी वो ज़िद और हट दर्मी थी तो ज़िद जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है ज़िद्द से हमें अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए जब इंसान के अंदर ज़िद्द आ जाती है तो वह अगरचे इस बात को मान ले कि हाँ मैं गलत हूँ लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िद पर कायम रहता है और अपनी जिद की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठता है जैसा कि अब यहूदियों ने अपना नुकसान किया तो इस आयत में उनको दावत दी जा रही है कि वह आमिनु ईमान लाओ बिमाजल तो जो मैंने नाजिल की यानी जो कुरान करीम अल्लाह नाजिल किया है इस पर ईमान ले आओ मुसदमाकुम के ये तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पास किताब है देखें यहाँ से उनको तरगीब भी दी जा रही है कि देखें आप उस चीज़ पर ईमान ले आएँ ये कोई नई चीज़ नहीं है या आपकी मुखालफत में नहीं उतरी बल्कि ये तो उसी की तस्दीक कर रही है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है देखें ना अगर किसी शख्स का कोई नज़रिया हो और बाद में आने वाला शख्स उस नज़रिए को ही बयान करे उस नजरिए को ही बयान करे तो पहला शख्स नाराज़ नहीं होता बल्कि खुश होता है कि ठीक है ये बंदा मेरा साथ दे रहा है तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये वाला तर्ज इख्तियार किया कि मुसद कल्लम आकुम कि ये जो कुरान जो मैंने नाजिल किया है ये तो तस्दीक करता है उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है यानी क्या मतलब यानी तोरात जो उनके पास थी और जो इसी तरह और सहीफ़े थे उनकी ये क्या करने वाला है भाई तस्दीक करने वाला है यहाँ से एक बात याद रखें कि कुरान करीम सबका किताबों की मकमल तस्दीक यूँ नहीं करता कि जो जो बातें उसमें हैं सब की तस्दीक करता हो बल्कि जो बुनियादी मजामीन होते हैं उनकी तस्दीक करता है जैसे हर नया नबी आने वाला पिछले नबी की तस्दीक करता है लेकिन जो नया नबी आने वाला होता है वो पिछले नबी की बाज़ बातों को मनसूख कर देता है पिछले नबी की बाज़ बातों को मनसूख कर देता है चूँकि वह नई शरीत लेकर आता है इसी तरह कुरान करीम ने भी सबका किताबों की बाज बातों को मनसूख कर दिया लेकिन बुनियादी मजामी की तस्दीक की और बुनियादी मजामी की तस्दीक करता है मगर ईसाइयों ने और यहूदियों ने अपनी किताबों में तोरात और इंजील में तहरीफा कर दी तोरात और इंजील में तहारीफा कर दी हैं अब उन तहरीफा की कुरान करीम तस्दीक नहीं करेगा उन तहरीफा की कुरान करीम तस्दीक नहीं करेगा जो उन्होंने बदल डाली हैं आगे अल्लाह ताला फरमा वाला तकूनू और तुम ना हो जाओ अब वाला काफ्रम भी पहले पहले इनकार करने वाले पहले पहले इस कुरान करीम के इनकार करने वाले तुम ना हो जाओ कुरान करीम नाजिल हुआ मक् मुकरमा में और वहाँ पर मक् मुकरमा में थे मशरकिन मक् कुफार मक् यहूदी थे मदीना मुनवरा में और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तेरह साल बाद नबूवत के तेरह साल बाद तो तेरह साल तक तो कुरान करीम का इनकार किया मक्का वालों ने ना के यहूदियों ने क्योंकि यहूदी कहाँ थे भाई मदीना में यहूदी थे मदीना में तो फिर यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि वाला तक अवला काफ्रम भी कि तुम ना हो जाओ इनकार करने वाले पहले पहले क्योंकि पहला इनकार करने वाले तो कुफ़ार मक्का थे लेकिन यहाँ पे इन यहूदियों को कहा जा रहा है कि तुम पहले इनकार करने वाले ना हो जाओ इसका मतलब ये है कि अहल किताब जो थे अहल किताब में से पहले इनकार करने वाले ना हो जाओ मक्के वाले जो थे वो अहल किताब नहीं थे उनके पास कोई किताब नहीं थी किताब यहूदियों के पास थी तो इसलिए यहूदियों में से यानी अहल किताब में से तुम पहले पहले इनकार करने वाले ना हो जाओ कि तुम जानते भी हो कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ुरान करीम जो हैं वो अल्लाह की तरफ़ से हैं तो फिर इनकार करने वाले ना हो जाओ इसी तरह एक इसकी दूसरी तफसीर ये है कि तुम अपनी नस्लों के लिए पहले इनकार करने वाले ना हो जाओ कि अगर आज तुम इनकार करोगे तो कल जो तुम्हारे पिछले आने वाली नस्लें हैं वो भी तुम्हारे पीछे इनकार करेंगी और तुम उनके उनके लिए पहले इनकार करने वाले बन जाओगे अब देखें कुरान करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार गोया कुफ कुफर है तो कुफ़र तो खुद एक बहुत बड़ा जुल्म है कुफ़र ख़ुद एक बहुत बड़ा जुल्म है। यू भी कह सकते थे कि तुम काफिर ना हो जाओ तुम काफिर ना हो जाओ लेकिन साथ में अब वाला की कैद लगाई कि तुम पहले पहले काफिर ना हो जाओ यानी कुफर भी जुल्म है, लेकिन सबसे पहले कुफर करना यह जुल्म जुल्म है ये जुल्म, पे जुल्म है क्या मतलब फरमाया कि जो शख्स सबसे पहले किसी चीज़ की बुराई का आगाज करता है तो उसके बाद आने वाली नस्लें या उसके बाद जो लोग उस बुराई को करते हैं तो जिस शख़्स ने आगाज़ किया होता है उसका वबाल उसको भी जाता है उसका वबाल उसको भी जाता है लिहाजा हम हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कहीं हमसे कोई ऐसा काम सरजद ना हो जाए कि पहले उसमें कोई गुनाह ना कर रहा हो कोई शख़्स लेकिन हम ऐसी कोई ग़लती कर बैठें कि हमारी ग़लती की वजह से उसके ऊपर लोग दूसरे भी उस पर अमल करना शुरू कर दें दूसरे भी उस पर अमल करना शुरू कर दें मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बिल्कुल मिसाल देता हूँ कि किसी शख्स का कोई खेत हो कोई खेत अब उस खेत में उसने क्या की हुई है, भाई खेती बाड़ी की हुई है उसने वहाँ पर फसल लगाई हुई है अब एक बंदा है वो उसके अंदर से निकल कर जाता है ठीक है भाई उसकी फसल ख़राब करता है उसको नुकसान पहुँचाता है उसको तकलीफ़ देता है अब जब वो वहाँ से निकल गया तो ज़ाहिर है देखने वाले देखेंगे कि यहाँ से कोई शख्स निकला है कोई शख्स गुज़रा है तो वो भी उसके पीछे पीछे गुजरेंगे और वो बेजा रास्ता बना लेंगे किसी की ज़मीन में और उसकी फ़सल को ख़राब करेंगे अब जितने बाद में आने वाले लोग हैं इनका इनका गुना इनको भी होगा लेकिन जो सबसे पहले जिसने वो रास्ता बनाया था उसको भी उसका गुना होगा तो इसकी और ढेरों मिसालें हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम कोई ऐसी गलती कोई ऐसा गुनाह ना कर बैठें कि हमारी वजह से पीछे आने वाले लोग जो हैं वो उसके पीछे चल पड़ें वो उसके पीछे चल पड़ें बाज़त आपने देखा होगा बाज़त ऐसा होता है कि मामला चल रहे होते हैं कि एक बंदा आता है सारे मामला की गड़बड़ कर देता है और वहाँ पर लड़ाई और फसाद का सबब बनता है अब ये जो फसाद का सबब बना और उस फसाद की वजह से बाद में दस बीस लोग लड़े उन लड़ने वालों सारों का गुना अलग इस शख्स को भी अलग गुना मिलेगा इस शख्स को भी अलग गुना मिलेगा क्यों क्योंकि ये उस गुनाह का सबब बना है क्योंकि ये उस गुनाह का सबब बना है इसी तरह अगर कोई शख्स नेकी करता है कोई शख्स नेकी करता है और उस नेकी करने वाले को देखा देख दूसरे लोग भी नेकी करना शुरू कर देते हैं तो इस पहले नेकी करने वाले को भी उन लोगों की नेकी का सवाब मिलेगा लेकिन उन लोगों की नेकी के सवाब कम नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ से सवाब देंगे तो हमें चाहिए कि हम ऐसे आमाल करें कि जो लोगों के लिए नेकी की राह बनाएं ना कि लोगों के लिए गुनाह के रस्ते बनाए जाएँ आगे अल्लाह तला फरमाें वाला तशतरूब आयाती सामान कलीला और ना बेचो तुम मेरी आयतों को सामानन कलीला थोड़े से समन के बदले में एक बात तो ये याद रखें कि थोड़े समन से क्या मुराद है अल्लाह की आयत को बेच डालना उसके बदले में चाहे पूरी दुनिया के ख़जाने मिल जाएं तो वो फिर भी थोड़ा ही समन है फिर भी वो थोड़ा ही समन है थोड़ा ही बदला है क्यों क्योंकि ये दुनिया जो है ये सारी की सारी हकीर है और अल्लाह की आयत ये अजीम है हकीर चीज़ के बदले अजीम चीज़ को देना वो हमेशा थोड़ा ही कहलाएगा यहाँ से यहूदियों की एक बुरी खसलत को बयान किया जा रहा है कि यहूदी क्या करते थे कि वो महज़ चंद पैसों की खातिर अल्लाह की आयात यानी तौरात के जो अहकाम होते उनको बदल डालते थे उनको बदल डालते थे जिसने थोड़ा सा पैसा दिया उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक उसको वैसा ही फ़तवा दे दिया कि हाँ भाई ये काम तुझसे हो गया चलो भाई ये पैसे ले लो पैसे दे दो और ये काम जायज़ है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी इस तरह से जायज़ है आज भी बाज बाज़मा और मुफ्तीन कराम जो ख़ास तौर पर बड़े अहदों पर फ़ाइज होते हैं अल्लाह बचाए ऐसे आमाल से कि जब कोई पैसे लेकर या फिर और किसी वजह से किसी ओहदे के डर से किसी ओहदे के ख़तरे की वजह से जब मसला ग़लत बयान करे ग़लती से मसला ग़लत बयान हो जाना वो एक अलग चीज़ है लेकिन जानबूझकर अपने अहदे की खातिर या फिर कोई पैसे लेकर किसी से पैसे ले लिए अब उसको खुश रखने की खातिर कोई ऐसा मसला बयान करना जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो ये निहायत बड़ा जुर्म है और इससे बचना चाहिए यहूदियों की खसलत थी यहूदियों की खसलत थी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत यहूदियों की खसलत पर वापस लौट आएगी इनकी खसलतों पर और ऐसे होगा जैसे जूता दूसरे जूते की मुशाहत इख्तियार दूसरे जूते के मुशावे होता है यानी जब हम कोई एक जूता पहनते हैं तो दूसरा जूता भी बेन ही उसी तरह होता है तो ये हमारी उम्मत भी ब्या ही इसी तरह उन खसलतों पर वापस लौट आएगी जिन पर यहूदी मौजूद थे आगे अल्लाह रहे हैं व इया फत और मुझ ही से डरो और मुझ ही से डरो यानी अल्लाह ताला से डरते रहो इन चीज़ों की परवाह न करो कि अहदा चला जाएगा या ये अगर हमने सही मसला बयान किया तो मालो दौलत नहीं आएगा इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अल्लाह ही से डरना चाहिए अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए व आखिर आलमीन आमीन या रब्लम वालाकबालम वा अल्लाबातिनिया हसन फिलत हसन आदाबन्ना اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم رب يسر لنا في الدنيا والاخره اللهم رب يسر لنا في الامور كلها امين يا رب العالمين